हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन केक्स बाय मीनू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डॉल डेकोरेटिंग केक वीडियो का पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब केक की फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है टूटी फ्रूटी, वो भी 2 टेबलस्पून, जिसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब हम आपको सिरप दिखा देते हैं। देखिए इतना पाउडरी होना चाहिए, एकदम चंकी नहीं होना चाहिए। अब सिरप, ये देखिए इसमें हमने स्ट्रॉबेरी क्रश और साथ में थोड़ा सा वाटर डाला है, जिससे हमारा सिरप बन चुका है। अब हम टूटी फ्रूटी को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं और हम इसमें डाल देंगे हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश, जिससे ये थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, एक जिससे हम केक के फिलिंग के लिए जब आप खाएंगे तो थोड़ा सा चंक्स मिलेंगे खाने के लिए। अब यहाँ पे हम केक को निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए केक निकल जाएगा। ये देखिए केक निकल गया है, देखिए कितना परफेक्ट है। अब इसे हम काट भी लेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बाउल, जिसमें हम ले लेंगे 2 कप व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि हम इसमें डॉल के ड्रेस को भी डेकोरेट कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्रीम और चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे 2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। देखिए अब हम इसे बीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा व्हिपिंग क्रीम बीट हो चुका है, और इसमें से आधे व्हिपिंग क्रीम को हमने जो है पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लिया है, ताकि हम उसे लेवलिंग करते समय यूज़ कर सकें। ये देखिए पाइपिंग बैग में ले लिया, मैं निकाल के देखा, इसमें कोई भी नोजल का यूज़ नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे पहला लेयर रख देते हैं। ये देखिए इसे सिरप सोकिंग करके अब इसमें हम क्रीम लगा देते हैं। देखिए आप चाहे तो पैलेट नाइफ का भी यूज कर सकते हैं व्हिपिंग क्रीम को लेवल करते समय। अब हम इसमें अपना फिलिंग डाल लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। अब फिलिंग को स्प्रेड करने के लिए दूसरे पैलेट नाइफ का यूज कीजिएगा, जैसे मैं यूज कर रही हूँ। ये देखिए अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रख देते हैं और इसकी भी हम जो है सिरप सोकिंग कर देते हैं। देखिए अच्छे से सोक करना, ताकि आपका केक थोड़ा सा मॉइस्ट रहे और ड्राई ना हो। अच्छे से सोक कर लीजिए इस तरह। और अब हम इसमें पैलेट में जो हमारा पैलेट बैग है, उससे हम वापस इसमें लगा देते हैं और फिर इसे हम इसे पैलेट में से लेवल कर देंगे। हम इस पैलेट में से लेवल कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा फिलिंग, इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा तीसरा लेयर। देखिए एक के ऊपर एक होना चाहिए। इसे भी हम सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। अब हम इसमें लगा लेंगे हमारा क्रीम पाइपिंग बैग से। देखिए और इसे भी अच्छे से लेवल कर लेंगे। अब इसमें हम अपना जो लास्ट बच गया है बैच हमारा फिलिंग का, उसे भी हम लगा देंगे, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए मैं सिर्फ फैलना चाहिए, ताकि आप केक को काटें तो अच्छा आपको टेस्ट मिले। अब हम यहाँ पे अपना आखिरी लेयर रखते हैं, जिसको हम हाथ में रख के अंदर से सोक करेंगे। ये देखिए हम बाहर से भी सोक करेंगे, लेकिन केक के ऊपर रखने के बाद। ये देखिए अब हम इसे केक के ऊपर रख देते हैं। अब हम इसे सिरप सोकिंग करेंगे ऊपर तरफ से। ये देखिए अब हम पाइपिंग बैग से इसको क्रम कोट करना शुरू कर देते हैं। तो पाइपिंग बैग से हम इस तरह गोल गोल घुमा के लगा देते हैं क्रीम को। देखिए अब हम इसे पैलेट नाइफ से लेवल करना शुरू करते हैं साइड्स में। आराम से करना है, क्योंकि ये थोड़ा कर्व्ड शेप का होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर आप
घुमाते रहेंगे तो बन जाएगा। तो आराम से कीजिए, हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम एक कुछ भी शीट या फिर आपके पास दूसरा कोई कार्ड होगा तो उससे आप इस तरह फाइनल कोटिंग कर लीजिए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए अच्छे से फाइनल कोटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक पाइपिंग बैग ले लेंगे जिसमें नोजल लगा दिया, एक तरफ वाइट क्रीम और एक तरफ पिंक क्रीम, और इस तरह आपको हाथ जर्क करना है जिससे आपका इस तरीके का इफेक्ट आएगा। इसे हम सेकेंड लाइन भी करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से करना है और हाथ थोड़ा हिलाना भी, ताकि वो थोड़ा जो हमारा असली क्लोथ होता है उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे करने पे। तो इसी तरीके से हम पूरे केक को कवर कर देंगे। ये देखिए, तो अब हमने पूरे केक को इस तरह कवर कर दिया। अब आती है, अब बारी आती है डॉल की। तो डॉल की ड्रेस के लिए हम यहाँ पे पिंक कलर का यूज कर रहे हैं, पिंक कलर की विप्ड क्रीम का। तो ये देखिए, हम इस तरह से डॉल को भी कवर कर देते हैं। ये देखिए, डॉल को हमने पूरी तरह कवर कर दिया है। हमने कुछ रेड पर्ल्स और कुछ व्हाइट पर्ल्स भी लगा दिए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू एवरीवन, कमेंट डाउन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।